किस अवधारणा के तहत शेयरधारकों को उनके द्वारा सब्सक्राइब की गई राशि के लिए लेनदारों के रूप में माना जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत व्यवसाय को उसके मालिक से अलग इकाई के रूप में माना जाता है और मालिक को व्यवसाय के लेनदार के रूप में माना जाता है, इसलिए शेयरधारकों को उनके द्वारा सब्सक्राइब की गई राशि के लिए लेनदारों के रूप में माना जाता है। विकल्प ए, बी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोल के वैसा कुछ नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट में के साथ में सोचते हैं कि जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट में जो कॉस्ट है, ये दोनों मैच करेंगे, वहाँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात आती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं वही उसी को ही हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब शेयर होल्डर या ओनर, कोई भी बिजनेस का जो ओनर है, शेयर होल्डर भी ओनर है, वो माना जाता है क्रेडिटर। कंपनी और बिजनेस अलग है, तो बिजनेस के लिए जो ओनर है, ओनर ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उस पैसे के लिए उसे क्रेडिटर माना जाता है। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब हर पीरियड का एक एक पीरियड का अकाउंट्स अलग अलग से बनेगा, मतलब बिजनेस की लाइफ कुछ पीरियड में हम लोग डिवाइड कर देंगे और हर पीरियड का अकाउंट्स हम बनाएंगे, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है।